गलत को, क्या कर दिया इसने? सुनो बात, आपने मेरे पति को क्यों फंसाया? मैंने आपके पति को नहीं फंसाया, आपके पति मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, मेरे से प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने बोला था मेरी शादी भी नहीं हुई है, पर आप कौन बोल रही हो उनकी? आपकी शादी मैम, कब हो गई? अरे मैं मनीष की बीवी बोल रही हूँ, ठीक तो है? उनकी तो शादी हुई नहीं थी, तो पर आप बोल कहाँ कौन रही, उनकी बीवी कहाँ से आ गई? आपने ड्रामा मत करो, मुझे सारा पता है, ठीक है? आप जैसी औरत और लड़की को, ठीक है, दो बच्चे की माँ होके दूसरे लड़के पे ये सब करना बहुत गंदी बात है। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपसे बात करने में। देखिए, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी और नहीं मुझे आपको क्यों कोई नहीं करनी सफाई देनी ये है, बात? ठीक है? सुनिए, आप तो उनसे ही बात करी, मनीष से भी बात कर रही हैं आप, और लोग को आप तलाक भी देने की बात कर रही हैं। जी हाँ, मैं अलोक को तलाक देना चाहती हूँ, पर वो मेरा फैमिली मैटर है, आपको उससे क्या लेना देना है? क्यों, मेरे पति को आपने फंसाया और बोला फैमिली मैटर है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हें उससे क्या करना है, तुम अपना काम करो ना, मेरे से क्यों सुनो, लड़ाई करे? अपने जाके हस्बैंड से पूछो कि सुनो, आप वो मेरे मुझे से क्यों बात करते हो, मुझे डांटने हेलो, की वजह उनसे बात करो ना। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। सुन रही हैं ना आप? मेरी हाँ जी बोलिए। बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको शर्म नहीं आता क्या? आप बताइए, दो बच्चे की माँ क्या ऐसा गंदा काम करती है? मुझे तो छी आ रहा है, आप पे थू आ रहा है आपको बोलने में। अच्छा हाँ, क्यों, और आपके हस्बैंड की शादी हुई तो उन्होंने मेरे से झूठ क्यों बोला कि हाँ शादी नहीं हुई है? अरे मुझे नहीं पता मेरे को लेके मनीष, होटल में भी जाते हैं, मेरे साथ छी छी जो छी यार, कुछ भी मुझे बात तो होती है हेलो ये वो। मुझे तो कुछ नहीं पता कि मनीष ने कब कैसे क्या कर दिया, लेकिन आपको तो, आप तो एक बीवी है ना, औरत है ना, तो औरत का दर्द नहीं समझ सकती तो कैसे समझ सकती? छी, मुझे तो थू आ रही है आप जैसे इंसान पर। तो आप अपने हस्बैंड से जाके पूछ ना, मेरे से क्यों, क्यों? आप तो लोग को बोल रही है तलाक भी देने के लिए, आपको शर्म आना चाहिए यार, दूसरे मर्द हाँ को तो मैं फंसा अपने के। पति को है तलाक दे दूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम भी अपने पति को चुपचाप से तलाक दे दो, समझी? क्यों तुम दू, क्यों दू दूसरों तलाक पे? दो, मैं उससे शादी करने वाली, और मनीष मेरे से ही शादी करेगा। तुम्हें किसी और का जिंदगी बर्बाद करने में अच्छा लगता है क्या? आप जो भी सुनी ठीक है, आप जो भी बोले, मेरे को इन सब फालतू में बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मुझे पता है आप ज्योति मौर्य हैं और आप SDM बन चुकी हैं, ठीक है? और ज्यादा ना वो ड्रामा मत करिए, आप सब मुझे पता है आपके बारे में, ठीक है? पता है तो आप कर क्या लोगी? कर तो मैं बहुत कुछ लूंगी बेटा, ठीक है, बट आपको देखती हूँ, मैं देख तमीज लूंगी, ठीक से, है? तमीज से क्या करने वाली हो और क्या कर लोगी तुम्हें पता नहीं? मैम आप हीरो से तमीज से ग्वालियर बात में करो, हूँ वरना ना मेरा मुंह ना बहुत गंदा निकल जाएगा मुंह से, ठीक है? अरे मैं, ना तुम्हें ना घरों से उठवा लूंगी, ठीक है? ज्यादा बदतमीजी से बात मत करो, अभी तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूँ तू मुझे कौन। घर से उठाने की हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत? हाँ जी बिल्कुल, अरे और पहली बात, मनीष मेरे साथ है और मनीष मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं, ठीक है ना? अरे मनीष, क्या है आपके साथ? मनीष कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? लेकिन आप ना आलोक को तलाक मत दो, ठीक है? मैं आलोक को तलाक दूंगी क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं है, और मैं मनीष से प्यार करती हूँ, मनीष मुझसे प्यार करता है, मैं शादी भी करूंगी। आपके तो दो और बच्चे आलोक को हैं, तो आलोक को देखती है वो सफाई करनी, उससे उससे मेरी भाई बोलूंगी।